अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। युवाओं का काम गर्मी में, जून की गर्मी में 2 बजे दौड़ने का इस जज्बे के साथ है कि फौज में भर्ती हो। ये क्या दे रहा है अग्निवीरों को 21,000 रुपए? इससे तो मजदूर ज्यादा कमाता है और अपनी मर्जी का मालिक रहता है। ऐतिहासिक बिल बता रही है, ऐतिहासिक वापसी होगी और ऐतिहासिक माफी भी होगी। युवाओं का काम गर्मी में, जून की गर्मी में 2 बजे दौड़ने का इस जज्बे के साथ है कि फौज में भर्ती हो और अगर मादरे वतन को जरूरत पड़े तो हम अपना बलिदान दें। अपने घर के लिए नाम कमा के आए। किसान 46,000 की भर्ती है, अभी युवा साथी कह रहे थे, अगर ये 46,000 की भर्ती पक्की होती, हिंदुस्तान की फौज हर साल 55,000 से 80,000 सैनिक भर्ती करती थी। हर साल 55,000 से 80,000 भर्ती करती थी, 55,000 फौजी पेंशन जाता था, पूरे हेल्थ के सबके फैसिलिटीज पाता था। अगर ये 46,000 इस 55 और 80,000 से अलग होती भर्ती तो मैं ताली बजा देता, पर अब नोटिफिकेशन हो गया है ये अलग नहीं है, कच्ची नौकरी लगाई जा रही है, पक्की नौकरी हटाई जा रही है। सैन चौधरी, सैन चौधरी, सैनी चंदी, सैनी अधीशी। बहुत कम पैदा होते हैं, कैसे दूसरी गली में बिना तनख्वाह के भी हमारे युवा तैयार है राष्ट्र के लिए, रक्षा के लिए लड़ने के लिए, सीमा पर जाने के लिए। हमारे बुजुर्ग भी तैयार हैं, लेकिन इनके दफ्तरों पर ये नौकरी करने के लिए 10,000 में तैयार नहीं है कोई। ये घटिया आदमी है, अपने बेटे को क्यों ना भेज देते? हम दे देंगे 10,000 की नौकरी, सही बात, हम देंगे। हर किसान 20,000 में नौकर ले रहा, बिहार से जो आ रहे हैं ठेके पे, खाना भी दे रहा, दूध भी पिलवावे, चाय भी पिलवावे, कमरा भी दे रहा रहने के लिए, पंखा भी है। ये क्या दे रहा है अग्निवीरों को 21,000 रुपए? इससे तो मजदूर ज्यादा कमाता है और अपनी मर्जी का मालिक रहता है। जो युवा है वो देश की रक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए, अपने लड़ाई के लिए तैयार है, लेकिन इनकी नौकरी के लिए तैयार नहीं है। देश के युवाओं को ठगने का प्रोग्राम सरकार ने बनाया। याद कीजिए, किसान आंदोलन में क्या कहते थे, ये ऐतिहासिक बिल है। फिर कहने लगे इसकी ऐतिहासिक वापसी हुई, फिर कहने लगे इसके लिए ऐतिहासिक माफी मांगी गई। मैं कहना चाहता हूं इसको भी सरकार ऐतिहासिक बिल बता रही है। उसकी लड़ाई चौधरी अजीत सिंह लड़ रहे थे, इसकी लड़ाई चौधरी जैन सिंह लड़ रहे हैं। ऐतिहासिक बिल बता रही है, ऐतिहासिक वापसी होगी और ऐतिहासिक माफी भी होगी। माननीय महोदय योगी जी कह रहे हैं अग्निवीरों को हम नौकरी देंगे। योगी जी आपको शर्म आनी चाहिए, 5 साल में पुलिस की भर्ती आप निकाल नहीं पाए और अग्निवीरों को जिम्मेदारी दे। जो ये अग्निपथ योजना के खिलाफ जो ये पंचायत हो रही है, आप इसमें क्यों आए हो? क्यों भाई जी, आपको भविष्य बिगड़ने लग रहा, आपका कोई फेरे भी नहीं फेरने के लिए अग्नि मानता। 4-4 साल में करवा लेंगे, पूछा करेंगे भाई लंबा नौकरी करे या रिटायर हो लिया, फिर क्या करेंगे? लेकिन सरकार और एक तबका तो ये कह रहा है कि इस योजना से जो सेना में जो जवान है उनको बहुत फायदा है, उनको 11 लाख रुपए जब वो रिटायर हो गए तब मिलेंगे उनको। एक बात, 11 लाख रुपए कब तक काम होंगे उनको, कै साल खा सकें? बात सोच का देखो, अभी कब तक खा होंगे, 5 साल खा लेंगे, 10 साल खा लेंगे?
उसके बाद पेंशन नहीं कुछ नहीं, फिर बेरोजगार बेरोजगार, भर्ती करने में इतने देने पड़ेंगे उन लोगों को। और जो पूंजीपति है उनका यहाँ नौकरी में प्राथमिकता मिलेगी उन लोगों को? इन मतलब जो है पूंजीपति ठंडा पड़ा खड़े हो रहे हैं, प्राथमिकता मिलेगी। यार क्यों गुलामी करवो, ये देश तो गुलाम होने लग रहा है, हमें भी गुलामी करवो। गुलामी नहीं बढ़ेगी भाई, गुलामी नहीं करिए। उन्होंने कह दिया कि 4 साल की भर्ती होगी, इससे अतिरिक्त कोई भर्ती नहीं होगी, इससे अतिरिक्त कोई भर्ती नहीं है, 4 साल की भर्ती है। और उसमें भी 25% तक, वो भी लिमिट है। ये नहीं कहा कि 25% लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि 25% लेंगे। 46,000 पहले वर्ष में लेना है इस साल में, उसमें से 15,000 ये उम्मीद ना रखें कि 15,000 को 4 साल बाद भी नौकरी मिलेगी, ये भी तय नहीं है। कि फौज मरने के लिए नहीं होती, मारने के लिए बनाई जाती है। जिस घर का शहीद होता है उसके दर्द को आप समझने की कोशिश करें मोदी जी, उनकी शहादत पे, उनकी लाशों पे आपने खूब राजनीति की है। पिछला चुनाव, लोकसभा का चुनाव कैसे जीते हो हमें याद है, आपने उस चुनावी अभियान में एक भाषण दिया था कि एक वोट सेना के सम्मान में मुझे दे दो, याद होगा? ऐसी भाषा कभी किसी प्रधानमंत्री पद के दावेदार ने कभी नहीं कही, कभी किसी प्रधान के उम्मीदवार ने भी देश की धरती पे खड़े होकर ऐसे वोट नहीं मांगी होगी जिस तरह से आपने सेना के नाम पे वोट मांगी थी। अगर ये सरकार मनमानी करेगी और आपकी बात नहीं मानेगी तो वहां भी जाकर हम लोग जहां विरोध करेंगे, जहां कोई विरोध करेगा सरकार का, सबसे पहले हम लोग वहां पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचने का काम करेंगे। भाई ये लो सर्च कर लो, सर्च कर लो, हां भाई सर्च कर लो, ये नाम लिख दिया मैंने, यही नाम। Thank you.